हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिंकी फैमिली में। और सभी गाइस कैसे हैं आप सभी? तो गाइस ये ना मेरे बच्चों ने नहीं ये वाला जो हस्बैंड ने ऐड किया था, तो गाइस यहाँ पर ना मेरी दवाइयाँ लेकर मम्मी के यहाँ सर आ गए थे। तो थोड़ा मतलब मन कर रहा था इनका घूमने का, तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा ना यहाँ रोक दीजिए, क्योंकि गंगा माता के दर्शन ना लोग बहुत दूर दूर से करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के दर्शन करना। तो इसलिए मतलब बैठी हूँ अंदर, तो फिर भी ना रुक गए थे कि चलिए। और म्यूट इसलिए कर रखा था मैंने आवाज़, क्योंकि गाइज ये ना मेरे भाई बहन बहुत बदमाश है, दोनों लड़ते बहुत ज़्यादा हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं ये, तो इसलिए ना वीडियो में बोल भी रहे थे बहुत, इसलिए मैंने ना म्यूट कर दी आवाज़, इग्नोर कर देना। तो ये ना इनकी शादी तो हो गई है, बट ये लड़ते बहुत हैं। अब भी देखिए बोल रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, तो मतलब बोल रही कि मत गिर, तेरे तो एक बेटा है। मतलब ऐसे बहुत लड़ते हैं यार वो, ये ना बच्चों में बच्चा भी मतलब शादी हो गई, अभी बच्चे वाला हो गया ये भी, और वो भी मतलब लड़ने की आदत नहीं जाती है इन भाई बहनों में बिल्कुल भी। तो इसलिए ना मैंने वॉइस ओवर कर दिया कि चलिए जितना भी वीडियो है एडिट कर लूँ। मतलब ये तो एडिट ना मेरी बेटी ने किया था, तो सिर्फ मैं बोलती कि मम्मा आपने अपनी वॉइस ही कर दीजिएगा इसमें। मैंने चलिए लेटे लेटे वॉइस कर देती हूँ, डाल देती हूँ, तो ज़्यादा कुछ मेरे से बनाने नहीं आ रही वीडियो। और हाँ, जो वीडियो गए हैं उससे पहले भी मेरी मानसी ने ही एडिट की है वो, बस मैंने ना उसमें अपनी वॉइस ही कर दी है। तो यहाँ पर ये खा रहे हैं हाजमोला, तो हस्बैंड कर रहे हैं शायद सूट यहाँ पर। तो मतलब मानसी को बहुत फिक्र हो रही, मम्मी रोज़ सब एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे, मम्मी आपकी मैं जब तक आप ठीक नहीं होगी मैं भी आपकी वीडियो एडिट किया करूँगी, क्योंकि काफ़ी वो भी बहुत कुछ सीख गई है और अच्छी से मतलब एडिटिंग भी करना सीख गई है। देखिए बच्चों को आ जाता है, और यहाँ पर बैठी हूँ मैं तो मुझे मतलब हंसाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं दूसरी एक साइड तो मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है, इसलिए मुझे ना खिड़की की साइड बिठा रखा जिससे कि लग के बैठी रहूँ मैं। तो यहाँ पर मुरादाबाद बहुत दूर, जैसा मेरे भाई बहन जितना भी उनको पता है कि मुरादाबाद धर्मपुर से बहुत दूर है, तो मतलब धर्मपुर से इतना थक गए थे ये लोग कि फिर बोले कि चलो हम घूमते हैं। और यहाँ का ना मतलब गंगा माता और मतलब सब दर्शन करने आते तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ बोले कि हम घूमेंगे यहाँ। मैंने कि चले थोड़ा सा रेस्ट ले लो आप भी, तो यहाँ मैंने ही बोला था, फिर अब चल दिए घर को ये। तो गैस घर आ गए, और देखिए ये ना मुझे हंसाते ही बहुत है। अब देखिए मुझसे ज़्यादा दुख भी मतलब ऐसा नहीं रहा जाता कि दुख मेरा 24 घंटे। तो यहाँ पर ये मेरी मालिश भी कर रही है, और मतलब सब मतलब पूरे हाथ पैर ढक के रखते हैं पट्टी वट्टी बांध के अच्छे से। तो ये ना हकीम से चल रहा गाइस मेरा इलाज मुरादाबाद में। अगर मतलब किसी को ऐसा पैरालाइज जैसा होता है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर नाम पता सब दे दूंगी, अगर आप किसी को चाहिए बहुत मतलब गारंटी का है। तो यहाँ पर ना मतलब दवाइयाँ इतनी गर्म है कि मालिश करने के बाद ना बिल्कुल गर्म कपड़ा बांधा जाता है सूती, और देखिए भी डबल डबल बांधेगी अंजू, मेरी बहन का नाम अंजू है, तो मतलब हर दुख तकलीफ में यही काम आती है मेरे। तो यहाँ पर अच्छे टाइट करके ना ये इसको बांधेगी, फिर इसको रजाई के अंदर ले लूँगी मैं। तो मैंने ना नीचे भी अपने रजाई के अंदर ट्यूब जो वाटर मतलब हॉट वाटर करते हैं ना ट्यूब के अंदर, वो मैंने हॉट वाटर करके रखवा रखा है। तो दुपट्टा पड़ गया गाइस छोटा, बेटा खटखट मत करो, तो बच्चे ना गाइस इग्नोर कर दीजिए, खटखट कर रहे हैं बहुत। तो ये माही ना जो ये फ़ोन होल्डर है ना तो उससे वो हट गया था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं बेटा उसको मत हटाओ, बोल रही मम्मी आप धीरे धीरे बोल रही है मम्मी आप लगा दो, मैंने बेटा मेरे से लगेगा ही नहीं, मौसी लगा देंगी। अब गई है देखिए मौसी से बोल रहे मौसी आप लगा दो। तो गई जी देख लिया अभी मेरे ना हाथ मतलब पैर हाथ तो उठने लग गया है बट पैर नहीं उठने लग गया अभी मेरा पैर, अभी ऐसा ही है। तो चले गए गाइस बच्चे मौसी को परेशान करने। गाइस पता नहीं मैं तो जिंदा लाश बन के रह गई हूँ, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कैसे होगा बच्चों का भी कैसे होगा। और हाँ, अगर वीडियो में ये सब दिखाती हूँ ना सब बच्चे मेरे हेल्प करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों को नौकर बना के रखती है। तो देखिए जब मैं बाहर हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ में है तो और कौन करेगा मेरी हेल्प, मैं अपने बच्चे से तो करवाऊँगी, और मेरे बच्चे इतना पढ़ पढ़ भी नहीं बोलते जितना फालतू दूसरे के बोलते हैं। और बोलने से पहले ना समझ लीजिए कि नौकर ना कहें, और अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बनते हैं, बच्चों की एक अच्छी नई सीख मिलती है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर सब्जी काट रही है और मैं अंदर से सूट कर रही थी, तो यहाँ पर माँ ही ना थोड़ी कॉमेडी करती है इसलिए मैंने ना वॉइस ओवर कर दिया है।
तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू आते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिएगा।